कल रात को तीन ग्रिड सब स्टेशन पंचशील नगर, गणेश गुआडी एंड पृथ्वीराज नगर की सप्लाई 1 घंटे के लिए बाधित रही थी, जिसमें कि आउटडोर टर्मिनेशन एक फेल हुआ था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर सप्लाई रिस्टोर की और दूसरी केबल पर सप्लाई को ले लिया। और इस जो 1 घंटा के लिए सप्लाई बाधित रही, इसके लिए टाटा पावर खेद व्यक्त करता है और हम प्रतिबद्ध है टाटा पावर के 24/7 आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहे। और जो केवल जो फॉल्टी हुआ था आउटडोर, उसको भी रिपेयरिंग कर लिया गया है। अब दोनों ही सोर्स हमारे पास अवेलेबल है किसी भी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए। देखिए, कल रात को क्षेत्रवासियों से सूचना आई थी कि चौधरी कॉलोनी, मित्र नगर, लूनिया कॉलोनी, शिवसागर कॉलोनी, अमरदीप कॉलोनी, आशापुरा नगर, सभी क्षेत्र की लाइटें पिछले 1 घंटे से बंद बता रहे थे। टाटा पावर द्वारा जो एक ग्रुप बनाया गया है, टाटा पावर वर्सेज सभी क्षेत्रीय पार्षद, उन पे भी मैंने कई बार इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई भी प्रॉपर रेस्पॉन्स टाटा पावर द्वारा नहीं दिया गया है। क्षेत्रवासियों में लगातार उनकी शिकायतों पर अधिकारी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, नहीं कोई संतोषजनक जवाब दे पा रहे थे। आखिरी में थक हार कर रात्रि 12:30 बजे मैं और समस्त जो मेरे क्षेत्रवासियों ने जाकर टाटा पावर पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद में क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर उन लोगों द्वारा पुलिस बुला ली गई, लेकिन क्षेत्रवासी और हम लोग अपनी बात पर अड़िंग रहे कि भाई बात किसी उच्च अधिकारी से की जाएगी। उनके उच्च अधिकारी के आने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई भी क्षेत्र का नागरिक अगर हमारे से कोई इस विषय में जानकारी लेता है तो हम लोग प्रॉपर उसी को जानकारी देंगे। और जो इनको टोल फ्री जो नंबर दिया हुआ है, उसकी भी लेकर शिकायत थी क्षेत्रवासियों की कि टोल फ्री नंबर हमेशा बिजी रहता है, एंगेज रहता है, उसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। उसको लेकर भी हमने उच्च अधिकारियों से अवगत कराया। उसके बाद में तुरंत ही हमारी लाइटें वगैरह चालू हो गई थी, लगभग 2.5 घंटे तक हमारी लाइटें बंद रही थी। उसके बाद में उनके आश्वस्त करने के बाद में हम लोगों ने अपना धरना और प्रदर्शन समाप्त किया। नमस्कार, अमित गुप्ता, टाटा पावर चीफ ऑपरेशंस। कल रात को 3 ग्रिड सब स्टेशन पंचशील नगर, गणेश गुआडी एंड पृथ्वीराज नगर की सप्लाई 1 घंटे के लिए बाधित रही थी, जिसमें कि आउटडोर टर्मिनेशन एक फेल हुआ था। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर सप्लाई रिस्टोर की और दूसरी केबल पर सप्लाई को ले लिया। और इस जो 1 घंटा के लिए सप्लाई बाधित रही, इसके लिए टाटा पावर खेद व्यक्त करता है और हम प्रतिबद्ध है टाटा पावर के 24/7 आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहे। और जो केवल जो फॉल्टी हुआ था आउटडोर, उसको भी रिपेयरिंग कर लिया गया है। अब दोनों ही सोर्स हमारे पास अवेलेबल है किसी भी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए।